श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायु बाहर फेंका जाता है, ये प्रयोग से दिखाना है। इस प्रयोग के लिए चंचु पात्र, शंकु पात्र, रबरी कॉर्क और वक्र नलिका, परख नली, अंकुरित धान के 25 से 30 बीज, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चम्मच, छोटा धागा, रंग, पानी, ये साहित्य चाहिए। अंकुरित धान के कुछ बीज शंकु पात्र में लिए, परख नली में धागा बांधकर उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के टुकड़े डाले। इस परख नली को शंकु पात्र में रखा, खाली चंचु पात्र साथ में रखा, उसमें पानी और रंग डाला। वक्र नली का बिठाया हुआ रबरी कॉर्क को शंकु पात्र में लगाया, जिससे शंकु पात्र वाताभेद्य होगा। वक्र नलिका का दूसरा अंत रंगीन पानी वाले चंचु पात्र में डुबो कर रखा। वक्र नलिका में पानी की सतह पर निशान लगाया। अब क्या होगा, थोड़ी देर में पानी की सतह बढ़ती जाएगी। अनुमान, श्वसन प्रक्रिया में बाहर निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड वायु पानी में अवशोषित किया जाता है, इसलिए वक्र नलिका में पानी की सतह बढ़ जाती है।